स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटेंसी में बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स में करेंगे मेथड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर ब्याज लगाने के हमारे मेथड क्या है। आप जितने भी आगे चैप्टर करेंगे पार्टनरशिप में, इन सब का यूज होएगा। इसलिए आप इन मेथड्स को बहुत अच्छी तरह से समझिए कि ड्राइंग पर ब्याज हम कैसे लगाते हैं। फर्स्ट मेथड है 12 सिंपल मेथड। इस सिंपल मेथड में आपको हम ड्राइंग दे दें तो उसे हम कहेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग। यू हैव गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। टाइम का मतलब अगर आपने साल के शुरू में निकाल ले तो पूरा वर्ष, अगर आपने बीच में निकाल ले जैसे 1 अक्टूबर को निकाल ले तो 6 मंथ्स, 1 जुलाई को निकाल ले तो 9 मंथ्स। तो जितना महीने आपने पैसे निकाल ले उसको हम कहते हैं टाइम। अगर टाइम ऐसे है 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, तो बटा में करेंगे 12। अगर हमारा पूरा ईयर है तो हमें इंटू 1 लिखना है, डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना है और डिवाइडेड बाय करना है 100। अब ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, जैसे हम आपको कहें मिस्टर एज ड्राइंग, ए के ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं ₹60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पे लिखा हो 10% पर अनम, ये शब्द लिखा हो 10% पर अनम और इसके अलावा कुछ ना कहा हो तो ड्राइंग पर ब्याज 6 महीने का लगेगा। कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ्स का। फॉर एग्जाम्पल 60,000 × 10 / 100, ये परसेंटेज थी, और 6 महीने का लगाना है बच्चों आपने, 6/12, तो ये आपका इंटरेस्ट कहलाएगा कितने रुपए? 3,000 रुपए। केस नंबर दो देखिए, अगर हम यहां पर 10% लिखते हैं और पर अनम नहीं लिखते हैं, केवल 10% लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर अनम शब्द नहीं दिया है, उस केस में आपका ब्याज कैसे लगेगा? 60,000 × 10/100 × 1 पूरे साल का ब्याज लगेगा। इस केस में अगर हम आपको ये भी कह दें कि उसने 1 अक्टूबर को पैसे निकाल ले, 1 जुलाई को निकाल ले, 1 दिसंबर को निकाल ले, तब भी पूरे साल का लगेगा। वहां पर हमें क्या देखना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके आगे पर अनम ना लिखा हो तो। नंबर दो। इसके बाद अगला हमने मेथड आपको बताया प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम आपको देंगे डिफरेंट मंथ्स, डिफरेंट अमाउंट्स, हम उनका क्या करेंगे प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इसने पहले पैसे मिस्टर ए ने 30 अप्रैल को निकाले, 30 अप्रैल को निकाले 10,000। अब 30 अप्रैल से आप 31 मार्च तक टाइम काउंट करेंगे, 11 महीने हो गए, 10,000 × 11 110,000। उसी प्रकार से फिर इसने पैसे निकाले 30 जून को इसने निकाले 20,000। ये 20,000 कितने महीने यूज हुए? 9 महीने। इसका हम प्रोडक्ट करेंगे 1,80,000। ऐसे हम सारे प्रोडक्ट कर लेंगे और उन प्रोडक्ट का क्या कर लेंगे टोटल, वो कहलाता है हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर 100। और इसमें समय लगेगा आपका 1 महीना, 1/12, क्योंकि हमने इसको 1 महीने की राशि बना ली। इसी प्रकार से बच्चों अब आपने ये मेथड देखने हैं, इन मेथड को एप्लीकेबल करना है। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, अगर मिस्टर ए प्रत्येक मास के प्रारंभ में
एक निश्चित अमाउंट निकालता है, अमाउंट सेम होना चाहिए, बीच में इंटरवल सेम होना चाहिए, उसके लिए हम टाइम कैसे निकालते हैं। तो पहला मेथड हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, उसने पहले पैसे कब निकाले होंगे, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका पहला समय हो गया 12 महीने, फिर आप लास्ट वाला समय लो, लास्ट में उसने पैसे निकाले होंगे 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक समय हो गया 1 महीना, बटा में 2, 13/2, 6.5 months, 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। अब उसने 5,000 रुपये प्रत्येक मास निकाले हैं, तो 5,000 × 12, ये उसके ड्रॉइंग हो गए 60,000, 60,000 पर लगेगा 13/2 / 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 12%, तो 12/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 12 से 12 कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारा 300, और 300 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 3900 रुपए। सिमिलरली अगर वो निकालता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो आपने पहले वाला समय लेना है, पहले पैसे उसने कब निकाले, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय हो गया 11 महीने, लास्ट में उसने पैसे निकाले 31 मार्च को, 31 मार्च को ही हम अकाउंट बनाते हैं, तो समय कितना हो गया 0, तो 11/2 यहां पर समय अकाउंट होगा 5.5 months। अगर वो मिडल में निकालता है प्रत्येक महीने के बीच में, यानी कि 15 तारीख को निकालता है, तो शुरू का समय हो गया 11.5, यानी कि उसने पैसे कब निकाले 15 अप्रैल को, लास्ट में पैसे कब निकाले 15 मार्च को, तो शुरू वाला टाइम एंड वाला टाइम दोनों का टोटल 2 से डिवाइड, ये हो गया हमारा 6 months। इसी प्रकार बच्चों एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में निकालता है, तो एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, जितने भी वो ड्रॉइंग निकालता है, जैसे वो 10,000 रुपये निकालता है, तो 10,000 को 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 10,000 × 4, ये आपके ड्रॉइंग कहलाएंगे 40,000 रुपये। और यहाँ पर हमने समय कौन सा निकालना है, एक तो शुरू वाला टाइम 12 महीने और एक लास्ट वाला टाइम 3 महीने, उन दोनों का टोटल करना है 2 से डिवाइड। इट मींस इसने पहला पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल को, दूसरा पैसा कब निकाला होगा 1 जुलाई को, फिर पैसा कब निकाला होगा इसने आपका 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई, 1 जुलाई के बाद 1 अक्टूबर, उसके बाद 1 जनवरी। तो जो 1 अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका समय हो गया 12 महीने, जो लास्ट में पैसा निकाला उसने 1 जनवरी को, उसका समय हो गया 3 महीने, दोनों का टोटल 2 से डिवाइड 7.5 months। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपका पहला पैसा इसने कब निकाला होगा 30 जून, और लास्ट में पैसा निकाला होगा 31 मार्च, 9 + 0/2, 4.5, और एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यहां पर आपने पहला पैसा कब निकाला होगा 15 मई को, 15 मई को, 15 मई से 31 मार्च तक 10.5, लास्ट में पैसा निकालना होगा इसने 15 फरवरी को, तो समय कितना हो गया 1.5, तो इन दोनों का टोटल 2 से डिवाइड 6 months। इसी प्रकार से बच्चों एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, इसने 20,000 निकाले, तो एक वर्ष में 2 हाफ ईयर होते हैं, 20,000 को 2 से गुना करेंगे तो ड्रॉइंग हो जाएंगे आपके 40,000, और उसमें समय कितना होगा 12 + 6/2, 9 months। अगर एंड में निकाले तो 6 + 0/2, 3 months, और अगर मिडल में निकाले तो 9 + 3/2, 6 months। तो ये है बच्चों हमारे ड्रॉइंग पर ब्याज निकालने के फार्मूले, इन फार्मूलों को अप्लाई करके आपने ड्रॉइंग पर ब्याज के सारे क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो क्वेश्चन आपने समझना है। दैट्स ऑल।